Variation of angle of deviation and angle of incidence for a triangular prism is as shown below. The value of x. This is a very good question. Such type of question already being asked in our MPED exam also. वहाँ पे यहाँ पे तो ग्राफ दे रखा है, वहाँ पे ग्राफ नहीं दिया था, लैंग्वेज में लिख दिया था क्वेश्चन को। तो देखो इतना तो हमें पता है, कोई एक पर्टिकुलर डेल्टा पे ये अगर आई है तो ये ई है, एंड ये ग्राफ एसिमेट्रिक कर्व होता है। मतलब ये कुछ इस तरीके का उसका नेचर रख लिया, दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर डेल्टा का बात करें हम, ये अगर x1 लेंथ है, ये अगर x2 है, ये आपके लिए अगर i बनता है तो एग्जैक्टली ये आपके लिए e बनेगा। एंड यहाँ पे जो x2 देख रहे हो, x2 शुड बी ग्रेटर देन x1, ठीक है, तभी उसी हिसाब से देख सकते हैं। ये अगर 50 है या 70 है तो इनका बीच का जो डिफरेंस है 20 है, तो ये डिफरेंस 20 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन सकता है 20 से कम, ये वाला। अगर ये 35 होता है तो देख लो, 35 या 50 डिफरेंस कितना हुआ, 15, 20 से कम हुआ। कोई भी बाकी सब डाल दो, अगर 30 डालो तो एग्जैक्ट होगा ये तो नहीं हो सकता, 20 डालो तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 भी डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर विल बी 35।